हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अनंत है। मैं यहाँ पार्था डेंटल डास्टली क्लिनिक से बात कर रहा हूँ और इस वीडियो के थ्रू जो है हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहते हैं, ज़्यादा लोगों के बीच में डेंटल जो अवेयरनेस है वो क्रिएट करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं जो है कैविटीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। सो कैविटीज़ जो है दांतों में सड़न होना, वो कब स्टार्ट होती है? दो चीज़ें हो सकती हैं। एक, या आप अपने दांतों को ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप ज़्यादा स्वीट्स, जो मीठी चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। देखिए, हर किसी को जो है मीठा खाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, तो उसको तो हम लोग कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। एक दो बार या फिर कभी भी चाहो कोई भी मीठा कुछ भी खा लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? एक चीज़ जो है, हमें जो है मीठा खाने की जो आदत है उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं। एकदम बंद नहीं कर सकते, थोड़ा कम कर सकते हैं, थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं, ताकि हम जो है कैविटीज़ आने से थोड़ा कंट्रोल पे रहें। दूसरी चीज़ ये हम कर सकते हैं कि हम लोग हर बार जब कुछ भी मीठा खाएं तो हम जो है अपना मुंह खुला कर सकते हैं, ताकि दांतों में कुछ भी ना चिपकेगा। तो ये दोनों चीज़ कर सकते हैं। मेंटेन करना मतलब दांतों को साफ रखना। देखिए, हर कोई बोलते हैं कि मैं दो बार ब्रश करता हूँ, तीन बार भी ब्रश कर लेता हूँ, बट ब्रशिंग जो है एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, ताकि आपके दांत में कुछ भी नहीं चिपकेगा। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा ब्रशिंग टेक्निक बता रहा हूँ, तो आप इसी को फॉलो कीजिएगा। देखिए, जो ये मैंने एक ब्रश लिया है और ये जो है दांतों का एक मॉडल है, तो इस पे देखिए कि मैं कैसे ब्रशिंग दिखा रहा हूँ। ये जो नीचे वाले दांत हैं, ये जो है नीचे वाले टीथ का एक मॉडल है, तो नीचे वाले दांतों को आपको नीचे से एज ए ऊपर इस तरह से निकालना चाहिए, ताकि कोई भी गंदगी यहाँ पे चिपकेगी नहीं। ओके, तो इस तरह से हम जो है नीचे वाले दांतों को कुछ भी डर्ट होने से, दांतों में कुछ भी गंदगी बैठने से रोक सकते हैं। देखिए, इस तरह से जब हम लोग इस तरह ब्रश करेंगे तो दांतों में कुछ भी चिपकने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और एक चीज़ इसके बाद आप नोटिस कीजिए कि कोई भी जो है आगे वाली जो साइड है उस पर कभी ब्रश नहीं करते, तो आगे वाली जो साइड है आपको इस तरह से ब्रश करनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप ब्रश करते हो तो यहाँ पे दांतों के पिछले भाग में, ये आगे वाला भाग है, ये पिछले वाले जो है यहाँ पे गंदगी बैठने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इस तरह से ओके, सो इसी के जैसे जो ऊपर वाले जो दांत हैं, ऊपर वाले दांतों में जो है आप ऊपर से नीचे ब्रश कर सकते हो। तो इस तरह ब्रश करने से जो है मतलब ऐसा नहीं कि मैं दो बार ब्रश करता हूँ। अगर इस जो टेक्निक जो मैंने बताया है वो आप अगर एक भी बार ब्रश करें तो भी थोड़ा बहुत चलेगा। ओके, अगर आप दो बार ब्रश करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, बट अगर एक बार भी करते हैं तो इस ब्रशिंग टेक्निक से आपके जो दांतों में जो गंदगी बैठने के चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो मैं आपको कैविटीज़ के बारे में बता रहा था। जो तीसरी चीज़ जो है, मैंने आपको मेंटेनेंस के बारे में कहा, उसके बाद आगे क्या करते हैं? आपको हर 8 से 10 महीने में एक बार जो है आपको डेंटिस्ट से मुलाकात करनी पड़ेगी। जब आप डेंटिस्ट से मिलते हो तो आप, हम लोग आपके दांत में कोई भी, देखिए अगर दांत में कोई मसूड़ों में भी कोई प्रॉब्लम है, या अगर दांत में कैविटीज़ कुछ स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो, या कोई भी जैसे मतलब अगर आपके टिश्यूज़ में कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हम लोग एक बार में देख के बता देंगे। हम आपको काफ़ी प्रिवेंटिव चीज़ें जो बता सकते हैं, जो अगर आप जैसे वो सब अगर आप यूज़ करोगे तो आपका जो डेंटल ट्रीटमेंट जो बाद में करोगे वो जो है आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा। देखिए, कैविटी जो स्टार्ट होती है तो बहुत छोटे साइज़ में होती है, जैसे कि ऐसे। देखिए, यहाँ पे जो है आपने देखा कि यहाँ पे दांतों के बीच में जो है छोटा सा कैविटी स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपने इसको जो है अगर बहुत जल्दी नोटिस किया है तो इसमें कोई सीमेंट फिलिंग ऐसा कुछ भी कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो उसके बाद जो है आपको काफ़ी दांतों में दर्द होने लग जाते हो, उसके बाद आप रूट कैनाल जैसे ट्रीटमेंट्स पे जाते हो। तो मतलब जो काम आपको जो है बहुत कम टाइम में और कम खर्चे में हो सकता है, उसके लिए आप ज़्यादा खर्च करते रहोगे। तो ऐसा करने से अवॉइड कर सकते हो। कैसे? मतलब हर 6 से 8 महीने के बीच में जो है एक बार डेंटिस्ट से मिलना। तो हम लोग जो है, जो डेंटिस्ट लोग होते हैं, हम लोग उस पर कोई भी फिलिंग कर सकते हैं, या फिर दरअसल जैसे हम लोग एक फ्लूराइड जेल होता है, जो फ्लूराइड जेल क्या करता है कि लाइक आपके दांतों के ऊपर जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर सा बना देते हैं। सो इसके ऊपर, दांतों के ऊपर से एक लेयर सा बन जाता है, जिसके ऊपर जो है कैविटीज़ का एक्शन होना काफ़ी कम हो जाता है। ये फ्लूराइड जेल जो है हम लोग एडल्ट पे भी कर सकते हैं और बच्चों पे भी कर सकते हैं। तो एडल्ट में जो है, देखिए कि मतलब काफ़ी समय से दांत बाहर आ चुके हैं, तो उस पर जो है इफेक्ट थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कम ही रहेगा, मान लीजिए 75% कुछ रहेगा मान लीजिए। बट जब बच्चों में करते हैं तो उनमें जो है ज़्यादा कैविटीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बात
समझ में आई होगी, और आप हमारे क्लिनिक पार्था डेंटल जो नेशनली ब्रांच है उस पर आइए और हमारे यहाँ डेंटल ट्रीटमेंट्स लीजिएगा।